हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में पुलिस विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव में संवेदनशील मतदान केंद्र व संदिग्ध लोगों पर कैसे नजर रखी जाए उसको लेकर एक सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान प्रारंभ कर दिया है। जिला के पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं और इसके अंतर्गत समस्त SHOs, DYSP, संबंधित SDM आपस में मिलकर के क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल एरियाज या पॉकेट्स उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। उसके साथ ही पुलिस की तरफ से एक नवाचार के तौर पे ये किया गया है कि समस्त ऐसे क्षेत्र जहाँ क्रिटिकल बूथ हैं या वल्नरेबल एरिया हैं वहाँ पर एक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग वो सभी महत्वपूर्ण नंबर लोगों को उपलब्ध कराते हैं पेंट करके, जिस पे कि वो लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और उसमें कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं कि अगर आप सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, तो आप उसके ऊपर अपना वीडियो, फोटो या मैसेज डाल दीजिए, जिससे कि उसको देख करके उसके ऊपर कंट्रोल रूम रिस्पॉन्ड कर सके। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सुरक्षा पर्ची के तौर पर भी छपवा रहे हैं पर्चियों को। लगभग पूरे जिले में वितरण के लिए 60,000 पर्चियाँ छपवा रहे हैं, जिसमें 30,000 अभी छपवा रहे हैं और 30,000 लगभग चुनाव के 15-20 दिन पहले उसका वितरण कराएंगे। और उसमें भी सभी महत्वपूर्ण नंबर व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को कभी भी कोई परेशानी महसूस हो तो वो तुरंत पुलिस से उनके अधिकारियों से संपर्क कर सके। इसके लिए कोई कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा? कंट्रोल रूम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके साथ ही विधानसभा कंट्रोल रूम भी चल रहा है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।